हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि तो फ्रेंड्स, आपको पता ही चला होगा कि हमारा एक वीडियो मोहित सागर जी ने अपने चैनल पर मेंशन किया था, इसलिए मैं उनको दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो इस वीडियो पर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने जब इसको मेंशन किया तो लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, और मोहित भाई को भी मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चैनल की बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है NNP इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, ये जो भाई है वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पर और बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हर एक चीज बहुत ही डिटेल में आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, भाई का जो चैनल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि हम जैसे मेहनत कर रहे हैं वो भी अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, और आपने जैसे हमें सपोर्ट किया उनको भी जाकर चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इनके चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बदर्स एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपने हमसे सवाल पूछा था RPS किट और ट्रांसफार्मर के बारे में। RPS किट से इन्वर्टर बनाने के ऊपर आपने बहुत सारा हमें कमेंट किया था, और इन कमेंट्स का आज मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आपके मन में कन्फ्यूजन है, इसलिए तो आपने हमें पूछा। अगर आपने मन में कन्फ्यूजन ना होता तो आप हमें ना पूछते, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। सबसे पहले गाइस देख लीजिए, RPS किट 200 वाट का होता है, ये वाला RPS किट आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है, इससे मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा इन्वर्टर भी बनाया, और मुझे ये पता चला कि इस ये जो RPS किट है यहाँ पर हमें ज़रूरत से ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। मैंने एक वीडियो में तो मैंने यहाँ पर 200 वाट के RPS किट पर 500 वाट का ड्रिल मशीन भी चलाया था, लेकिन इसका MOSFET उड़ गया। इसलिए फ्रेंड्स, आपको मैं रिकमेंड करूँगा, ये 200 वाट का होता है और इस पर से आप 200 वाट ही दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। और गाइस, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि RPS किट से फैन, TV या अदर अप्लायंसेस या हैवी अप्लायंसेस चलेगा कि नहीं चलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने एक वीडियो में कर दिया था जिसमें आपको फैन चलाकर दिखा दिया था, वीडियो जाकर देख लेना। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको बता दूंगा कि RPS किट से फैन चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ये एक 1212 का ट्रांसफार्मर है, आप देख पा रहे होंगे 1212 का ट्रांसफार्मर है, और ये 5 एम्पियर का है। 5 एम्पियर से फ्रेंड्स यहाँ पर फैन अच्छे से नहीं चलेगा, LED टीवी चल सकता है, लेकिन हमारा जो पिक्सर ट्यूब वाला टीवी है वो नहीं चलेगा। और गाइस, अगर आपको फैन चलाने वाला एक इन्वर्टर बनाना है, इसके लिए आपको लगभग 10 एम्पियर से ऊपर का ट्रांसफार्मर लगेगा। आप अगर 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे इस किट के साथ, तो इसका जो 200 वाट है इसको आप फुल्ली यूज़ कर सकोगे, इस पर 200 वाट का लोड आप डाल सकोगे, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस किट के लिए एकदम परफेक्ट जो ट्रांसफार्मर है वो होता है 15 वाट का ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है इस किट के लिए। और बहुत सी लोगों का हमारे जो वीडियो बनाते हैं हम इन्वर्टर के ऊपर, यहाँ पर कमेंट होता है कि ये जो किट है यहाँ पर MOSFET क्या MOSFET लगा हुआ होता है। आप सबको पता होगा कि यहाँ पर Z44N या P55 ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, MOSFET लगा हुआ होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये दो हीटिंग है, जिससे कि ये अगर MOSFET हीट हो जाए तो इसका जो हीट है वो ये जो एलुमिनियम हीटिंग है वो एब्जॉर्ब कर ले, और यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल्स में। और सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कि बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि ये कि इस किट से बैटरी चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, इस किट से बैटरी चार्ज देने का कोई भी सुविधा नहीं दिया होता है, क्योंकि ये जो सिंपल सा किट है और इससे सिर्फ आप जो ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट को आप 240 या 220 वोल्ट तक AC वोल्ट तक कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इससे बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, दूसरा ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने पर बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ये ऑटो कट होना चाहिए, मतलब जब हमारा जो
दूसरा ट्रांसफार्मर जब हम लगाएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी मेंस ऑन रहेगा तो हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तो अपने आप हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाए। ऐसा भी हमने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो वीडियो जाकर देख लेना, जहाँ पर हमने फुली ऑटोमेटिक इन्वर्टर बनाया था और ऑटोकैड बनाया था रिले को यूज़ करके। ये वीडियो जाकर देख लेना, और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कनेक्शन करके दिखाऊंगा ये इस इन्वर्टर का। और गाइस यहाँ पर मैंने बहुत सारा लोड देकर भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लेना, इसकी एक्सट्रीम लोड टेस्टिंग किया था इस किट का, मेरा वो किट ख़राब हो गया था, वो वीडियो भी जाकर देख लेना। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके का आपका सवाल था, कमेंट पर आपने पूछा था, और बहुत सी लोगों का ये भी है कि यहाँ पर जो बैटरी जो लो होने पर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया होता है, आप इसको कस्टमली लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कस्टमली सर्किट बनाने पर आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ पर अगर आप इस किट को यूज़ करके एक और ट्रांसफार्मर यूज़ करके बैटरी को चार्ज करोगे, और इससे ऑटोकैड भी बनाओगे, और यहाँ पर बैटरी का भी आप यहाँ पर इंडिकेटर लगाओगे, तो कनेक्शन थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, जिससे कि हमें समझाने में थोड़ा दिक्कत आता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे बेहतर एक और सर्किट हमें मिलता है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो 300 वाट का होता है, और यहाँ पर आपको बैटरी चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये हो गए हमारा जो आरपीएस किट है इसके बारे में, और ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही होगा 12x12 का ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। इसके लिए 15 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर बेस्ट होता है इसकी पूरी क्षमता को यूज़ करने के लिए, और आप यहाँ पर 10 एम्पीयर का भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो आप इससे फैन या टीवी चला सकते हैं, लेकिन डब्बा वाला जो हमारा पिक्सर डिप वाला टीवी है वो नहीं चला सकते। तो गाइस यहाँ पर ये जो किट है ये आप घर के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप एलईडी घर में अगर एलईडी लाइट जलाने के लिए या छोटा मोटा अप्लायंसेस चलाने के लिए हमारा जो आरपीएस किट वाला इन्वर्टर है वो बहुत ही अच्छा होता है। और गाइस यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो स्क्वायर वेव होता है, इसलिए आप इसका जो आउटपुट है वो स्टेबल नहीं होता, वो अप डाउन होता है, इसलिए आप यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं, एसी कैपेसिटर आप यूज़ कीजिएगा और आपको वोल्टेज में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और तो गाइस हो गया हमारा आरपीएस किट और ट्रांसफार्मर के बारे में। आरपीएस किट के ऊपर एक और लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर जो मॉसफेट है इसका नंबर डिफरेंट होता है, कई पर यहाँ पर आपको P55 देखने को मिल जाता है, और तो कई पर IRF Z44 NP देखने को मिल जाता है। क्या लोगों के मन पर एक सवाल होता है कि क्या हम अगर इस मॉसफेट पर समझ लो कि IRF Z44 N था, ये ख़राब हो गया, तो इसके जगह पर हम यहाँ पर P55 लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो सिस्टम होता है, दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, दोनों को एक ही काम के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों सेम काम ही करते हैं। तो इसलिए आपका अगर आरपीएस किट में P55 मॉसफेट है अगर वो ख़राब हो गया, तो इसके जगह पर आप IRF Z44 NP लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा जो आरपीएस किट और जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो सारा जो इसका जो लोड है कैसा देना होता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसका जो कनेक्शन है ये भी आपको करके दिखा दूंगा, बहुत सी वीडियो में आपको करके दिखा दिया, फिर भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अभी इसका कनेक्शन आपको दिखा रहता हूँ। सबसे पहले आप मैं ट्रांसफार्मर को दिखा रहता हूँ, यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, आप देख लीजिए 12, 0 और 12 का पॉइंट है, और ये जो इसका आउटपुट का पॉइंट है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यहाँ पर अगर हम 220 वोल्ट इनपुट करेंगे तो यहाँ पर से हमें 12 वोल्ट और ये से 12 वोल्ट का हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन इन्वर्टर में क्या करना होता है, यहाँ पर जो 12 और 12 का पॉइंट है इसको हमें इस किट का हीटिंग का जो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, मतलब यहाँ पर आप स्क्रू की मदद से भी इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर इस पॉइंट से आप सोल्डरिंग करके भी 2 वायर ऐसे निकल कर इसके जो 12 और 12 पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमेशा इसके जो कनेक्शन है वो करते समय आपको कोई भी लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना है, पूरा कनेक्शन एकदम केयरफुली आपको टाइट कर देना है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी लूज कनेक्शन ना रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी लूज कनेक्शन रह गया तो इसका जो मॉसफेट है यहाँ पर लोड पड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया एक वायर, और फिर दूसरे वायर को भी मैं ऐसे सोल्डरिंग करके यहाँ से दोनों वायर को निकाल लूँगा। निकाल कर हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इन दो वायर को हम कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर, हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका 12 और 12 पॉइंट के साथ। ओके हमारा पहला कनेक्शन हो चुका है, अभी हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, ट्रांसफार्मर का 0 पॉइंट ये कहाँ पर कनेक्ट करना है ये आपके मन में सवाल आ रहा हो। तो फ्रेंड्स 0 पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है आरपीएस किट के जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, देख लीजिए
इस पॉइंट पर हमें बैटरी का पॉजिटिव वायर भी कनेक्ट करना होता है और यहाँ पर जीरो पॉइंट के साथ भी कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक वायर निकाल लेता हूँ, हमारा जो RPS की है इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ से एक मैं वायर निकाल लूँगा। सोल्डरिंग करके अच्छे से यहाँ से एक वायर निकाल लूँगा। देखिए बहुत ही अच्छे से सोल्डर हो चुका है और इस वायर को मैं कनेक्ट करूँगा हमारा जीरो पॉइंट के साथ। तो गाइस कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर और जो RPS की है यहाँ पर हमें कैसे कनेक्ट करने हैं आपको पता चल गया होगा। देख लीजिए 12 0 12 कहाँ पर कनेक्ट करना है, फिर से आपको बता रहता हूँ 12 और 12 पॉइंट कनेक्ट करने हैं हीट सिंक के पॉइंट के साथ। स्क्रू के मदद से भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग करके लगाया। और 0 पॉइंट कनेक्ट करना होते हैं RPS किट के पॉजिटिव पॉइंट पर। अभी हमारा एक ही कनेक्शन बाकी है, कौन सा कनेक्शन बाकी है, हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है इसका कनेक्शन बाकी है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो ऐसे क्लिप लगा लिया और रेड वाला वायर में पॉजिटिव की तरह, येलो वाला वायर में निगेटिव की तरह यूज़ करूँगा। और इसका जो दो एंड है यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं कहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स बैटरी का जो सप्लाई होता है इसको हमें कनेक्ट करना होता है RPS किट की पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर हमने जीरो वाला पॉइंट कनेक्ट किया था, मतलब ये वाला पॉइंट, और निगेटिव पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है। देख लीजिए ये बड़ा वाला पॉइंट, ये निगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पर एक होल भी दिया हुआ होता है जिससे कि आप यहाँ पर स्क्रू की मदद से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोल्डरिंग ही करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं सोल्डरिंग करके निकाल लेता हूँ पहले निगेटिव वाला पॉइंट और इसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव वाला पॉइंट भी। यहाँ पर इसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जीरो पॉइंट से कनेक्ट करूँगा। एक ही बात है फ्रेंड्स, आप जो है तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं या ट्रांसफार्मर का जीरो पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो पॉइंट ही इस पॉइंट के साथ ये वायर के द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए मैंने सोचा कि जीरो पॉइंट से निकल लिया जाए। तो गाइस कुछ इस तरीके से सारा कनेक्शन हो चुका है, अभी हमें सिर्फ देरी है यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट करने का और इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर का ये दो वायर है, ये इसका आउटपुट है। आउटपुट पर हम एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट करके दिखा दूँगा। ये इसका वायर है जो बैटरी पर कनेक्ट होगा, ब्लैक वाला निगेटिव है, लाल वाला जो है पॉजिटिव है। चलिए अभी बैटरी को आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर 100 वाट का बल्ब कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दो बैटरी यूज़ करेंगे जो कि 12V 7A का बैटरी है। यहाँ पर मैं दो बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जिससे कि इसका एम्पीयर थोड़ा ज़्यादा हो सके। और यहाँ पर ये हमारा किड है, इसको यहाँ पर रख दिया, ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पर रख दिया। आउटपुट पर मैंने एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर रखा और यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा बैटरी का वायर है, ये इसका पिन है। अभी मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ, ब्लैक वाला को मैं निगेटिव के साथ और जो हमारा रेड वाला है इसको मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए गाइस जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, हमारा जो लाइट है बल्ब है वो जलने लगा, इसका मतलब हमारा जो इन्वर्टर है बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस देख लीजिए कुछ इस तरीके से सारा कुछ कनेक्शन होता है। यहाँ पर MOSFET के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफार्मर कितना एम्पीयर का लेना है भी मैं आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमें आप पूछ ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।